लोकसभा चुनाव में यू बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में युवाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे में उम्मीद जग जाती है युवाओं की इस बार क्या कुछ मुद्दे होने चाहिए। कुछ युवा साथी मेरे साथ हैं, क्या कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं लोकसभा चुनाव से, क्या कहेंगे? यूथ की संख्या हालांकि राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा है, आप भी यूथ हैं, क्या कुछ उम्मीद है लोकसभा चुनाव से? देखो, जिस तरीके से पिछली बार राजस्थान के अंदर 24 सांसद बीजेपी का है, एक RLP पार्टी के सांसद आए, लेकिन जो युवाओं के साथ में कुठारघात हुआ है उस कुठारघात से परेशान है। शिक्षा में ऐसे कोई नवाचार नहीं आए, ना रोजगार की बात उन्होंने बढ़ चढ़ करके बोली। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम नौकरियां देंगे, हम युवाओं को आगे लेने के काम करेंगे, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। राजस्थान के युवा इस बार अपने रोजगार के लिए, इस बार अपने नए स्टार्टअप के लिए, इस बार अपनी शिक्षा को लेकर के वोट करेंगे। बिल्कुल, देखिए, युवा रोजगार की बात कर रहा है, आप क्या कहेंगे, क्या कुछ मुद्दे होने चाहिए जिनको देखकर आप वोट करने जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो युवा है उनके लिए शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो भर्तियाँ हैं, नौकरियों की भर्तियाँ हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हर युवा, लगभग 90% जो छात्र हैं वो एक किसान वर्ग से आने वाले हैं, तो उन्हें एक अपनी छात्रों के साथ, अपनी पढ़ाई के साथ, एक किसानों के लिए भी एक सरकार को, केंद्रीय सरकार को, जो भी यहाँ से चुन के जाए, उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नौकरियाँ, क्यों, आज के लगभग युवा जो हैं वो नौकरी के कारण बेरोजगार हो रखे हैं, वो उन स्त्रियों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं जो उन्हें चाहिए। क्या लगता है, विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलता है राजनीतिक पार्टियां वादे करती है, लोकसभा चुनाव में भी युवाओं को साधने की कोशिश की जा रही है, क्या लगता है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के वो वादे पूरे होते हैं युवाओं के? नहीं, देखिए, जो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के अंदर थोड़ा अंतर है, जो विधानसभा चुनाव में जो MLA चुन के जाते हैं उन्हें, वो हमेशा लोकसभा से अलग होते हैं, क्योंकि वो हमेशा लोक विधानसभा के अंदर रहते हैं, उन्हें जो युवा वोट देते हैं वो उन्हें सवाल जवाब कर सकते हैं। पर यहाँ से जो MPs जो चुन के जाते हैं वो हमेशा सेंटर में जाकर बैठते हैं, वहाँ तक जो संसद के लोग हैं वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। लोकसभा चुनाव में 2 बार 25 के 25 राजस्थान से BJP के पाले में गए, क्या लगता है जो वादे किए थे उन्होंने पूरे किए? नहीं नहीं, बिल्कुल वादे पूरे नहीं किए गए हैं, पर कुछ केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, जो उन्होंने अभी कानून व्यवस्था को लेकर जो उन्होंने जो चेंजेस किए हैं वो अच्छे हैं। जो ट्रांसपोर्ट और रोड विभाग है वो अच्छा है। परिवहन अपने ऐसे नहीं कह सकते जो केंद्र सरकार ने सब कुछ गलत किया, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी युवाओं के लिए और किसानों के लिए है, उनके लिए मैं मानता हूँ, उनके लिए केंद्र सरकार ने कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल, उम्मीदें जगी हैं, क्या कुछ उम्मीद है लोकसभा चुनाव से आपकी, आप यूथ हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, नमस्कार सभी को, अग्निपथ जो लागू की गई है उसको हटाना चाहिए, क्योंकि अग्निपथ है, युवाओं से इसको बहुत नुकसान हुआ है। जो किसान वर्ग के मेरे भाई लोग थे वो आगे नहीं बढ़ चढ़ के जा नहीं पा रहे हैं अग्निपथ की वजह से, उनको उसके अंदर जानकारी वालों को ले लिया जाता है, और शिक्षा के नवाचार में और सब चीज़ों के अंदर, मतलब शिक्षा का नवाचार हो, रोज़गार को बढ़ावा मिले, क्या सोचते हैं, क्या कितने प्रतिशत वादे पूरे होते हैं लोकसभा चुनाव जीतने के बाद, सांसद कितने वादे पूरे करते हैं? देखिए, पार्टी भले ही कोई हो, कांग्रेस हो या BJP, मैं तो कहता हूँ आज के टाइम में युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। हाल ही में आपको बताना चाहूँगा, SI भर्ती, जिसमें युवा एक मोटिव के साथ SI भर्ती के लिए तैयारी कर रहा था, उसको उसका सिलेक्शन हुआ, उसकी ट्रेनिंग चल रही थी, कई उम्मीदें युवाओं की थी, उसके बाद पता चला कि पेपर लीक हो गए, उसके बाद आज तक वो पेपर अभी तक कैंसिल नहीं किया गया है, ना उस पर कोई ढंग से जाँच की जा रही है। तो कहीं ना कहीं युवा वोट किस नाम पे देते हैं कि उसको रोज़गार मिलेगा, देश का युवा आगे बढ़ेगा, डेवलपमेंट हो, लेकिन आज के टाइम में युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस हो भले BJP हो, कोई भी पार्टी अपने वादे पूरे नहीं कर रही है, और युवा आगे बढ़ चढ़ कर उसी पार्टी या व्यक्ति विशेष को वोट करेगा जो कहीं ना कहीं उनके लिए रोज़गार के और आगे भविष्य में अच्छे निर्णय लेगा, उसके लिए युवा बढ़ चढ़ कर वोट करेगा। हाँ बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर युवाओं की उम्मीदें जगी है कि कहीं ना कहीं युवाओं के हक की बात करने वालों को ही मत और समर्थन दिया जाएगा। क्या लगता है, क्या कुछ मुद्दे होने चाहिए रोज़गार से हटकर, क्योंकि आपका एक एक वोट, युवाओं का एक एक वोट कीमती माना जाता है? देखो, युवाओं की जो सबसे बड़ी समस्या रहती है वो कोई ग्रामीण तबके से जो लोग आते हैं, जो लगातार आर्मी की भर्ती को देखते हैं, जिस तरीके से मेरे साथी भाई ने बताया कि अग्निपथ स्कीम को लेकर के काफ़ी सारा रोष है युवाओं को। इसके अलावा जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो पेपर नकल की बात की जाए, पेपर लीक की बात की जाए, पूरे देश भर में हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। सरकार कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लागू करने में, किसी अगर कोई नियम कायदे कानून बनाती भी है पेपर लीक रोकथाम के लिए, तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। इसके साथ साथ अगर हम अन्य चीज़ों को देखें,
जैसे छोटे मोटे रोजगार की बात की जाए, आज हम देखते हैं कि हमारे जैसे विद्यार्थी जो इस महंगाई के दौर में जी रहे हैं उनको कुछ ना कुछ छोटा मोटा रोजगार करना पड़ता है। कोई स्विगी चलाता है, कोई जोमेटो चलाता है, कोई व्यक्ति ओला उबर में अपनी रात को अपनी बाइक लेकर के निकलता है कि वो दो पैसे कमाए ताकि उसके शिक्षा में उसको फ़र्क पड़े, ताकि वो अच्छा पैसा कमा करके यहाँ जयपुर में सर्वाइव कर सके या फिर पूरे देश में कहीं ना कहीं सर्वाइव कर सके। लेकिन उनकी सुरक्षा की भी कोई बात नहीं है। बात अगर कोई पेपर की बात की जाए जहाँ इंटरव्यू साक्षात्कार होते हैं वहाँ पर कितने बड़े बड़े घोटाले होते हैं। अगर इन घोटालों को जब तक नहीं रोक पाएगी सरकार, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, जिस तरीके से हमने देखा है राजस्थान के अंदर लगातार युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया, लेकिन इस बार युवा चेता है, इस बार झूठे जुमलों में नहीं फंसेगा। जिस तरीके से अन्य पार्टियों ने, कांग्रेस पार्टी ने 30 लाख रोजगार की बात की है विद कैलेंडर के साथ में, तो उनकी तरफ युवा अपनी टकटकी लगाए। बिल्कुल, देखिए कई तरह की उम्मीदें हैं युवाओं को, रोजगार का मुद्दा भी बनाने की कोशिश की जा रही है। आरोप दोनों ही पार्टियों पर लगाए जा रहे हैं कि दोनों ही पार्टियां कई तरह के वादे करती है युवाओं को रोजगार देने की। अग्निपथ योजना का भी जिक्र किया गया, तो कहीं ना कहीं युवा भी तैयार हो गया है। युवाओं का कहना है जो हमारी बात सुनेगा उनको हम अपना मत और समर्थन देंगे। वसंत पांडे, TV9 जयपुर।